जय हिंद साथियों नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों मैं हूँ ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों आप लोग कैसा है सब ठीक है दोस्तों आज एक स्पेशल वीडियो लेके हो आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का दोस्तों बहुत ही लेटेस्ट अपडेट लेके क्योंकि अगस्त महीने से आप लोगों का फिजिकल टेस्ट शुरू होने जा रहा है और इसलिए आप लोगों के बता देता हूँ हाइट चेस्ट रनिंग कैसे होगा क्या क्या आपको कैसे आपको मेजरमेंट करेगा रनिंग कितना करना पड़ेगा आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताऊँगा कैसे पास कर सकते हैं आप क्योंकि रनिंग आप लोगों का जिडी का तरह आप लोगों को इतना रनिंग भी नहीं है आप वीडियो कंप्लीट देख लेना तो अभी आपको समझ में आ जाएगा और दौड़ पास कर लिया तो आपका नौकरी पक्का मैं किस लिए बात बोल रहा हूँ बहुत ही ध्यान देना क्योंकि रनिंग हो रहा है इस बार फिजिकल हो रहा है सबसे पहले और आप लोगों को बहुत ध्यान देना है फिजिकल में फिजिकल थोड़ा सा गलती कर लिया ना आपका नौकरी भी नौकरी से पहले से हो जाएगा रिजेक्ट क्योंकि इस बार आप लोगों को कट ऑफ भी कम जाएगा किस वजह से जाएगा वो भी मैं बताऊंगा आप लोग को पूरा वीडियो देखते रहे ना हाइट सेस्ट रनिंग आप लोग पहले बता देते हो कब से होगा आप लोगों को पता है आठ जुलाई तक तो लास्ट डेट है और आप लोगों का अगस्त महीने से आप लोगों का अगस्त लास्ट वीक लास्ट मतलब महीना के लास्ट जो लास्ट है उससे आप लोगों को फिजिकल स्टार्ट होने जा रहा है चलिए तो आप लोग बिना देर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हो हाइट सेस्ट और रनिंग आप लोगों को बता देता हूँ देखिए पहले जो होगा आप लोगों का फर्स्ट स्टेज में क्या होगा देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वही क्वालिफाइड करेगा उसके बाद ये होगा सीबीटी टेस्ट क्योंकि सीबीटी टेस्ट में जिसका दिमाग बहुत बढ़िया है वो कैंडिडेट क्वालिफाइड हो जाता था अभी जो मेन बात आ जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड पीएसटी पीएसटी एंड पीटी पी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आउट हो जाएगा इसमें भी बहुत कैंडिडेट आउट हो जाएगा और इसलिए क्या है जिसका मेरी ज़्यादा उसका स्कोर बनना था वो कैंडिडेट भी इसमें आउट हो जाएगा क्योंकि उसका फिजिकल ठीक नहीं है उसका तो आ, उसका तो स्कोर तो अच्छा लगे आता था पर वो क्या है फिजिकल उसका अच्छा से अच्छा नहीं है इसलिए आप लोगों को जो मीडियम रेंज का भी है मतलब उसका दिमाग भी है आप लोगों का मेहनत कर रहा है आप लोगों का स्कोर भी ज़्यादा आप लेने भी तो अब भी आप लोगों का नौकरी होगा इस बार स्कोर कम से भी क्योंकि आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा फिजिकल देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या हो रहा है देखिए मेल कैंडिडेट के लिए जो ऑल इंडिया के लिए 165 सेंटीमीटर और सेस्त है सेवेंटी सेवन और फुलाना है एट्टी टू और मेल कैंडिडेट ये है गार्बलिस कुमानिया जो कि गर्घस दोग्रस माराथस कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ सिक्किम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम के लिए जो है वन सेंटीमीटर और आप लोगों को सेस्त है सेवेंटी और एट्टी फुलाना है और इसमें आप लोग बता रहे हैं देखिए मेघालय असम हिमाचल प्रदेश ले लद्दाख रीजन कश्मीर वैली के लिए भी वन सिक्सटी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ही है अभी यह ज़रा ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइबल के लिए वन सिक्सटी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सेवेंटी सिक्स और एट्टी वन फुलाना है फीमेल के लिए वन फिफ्टी फाइव सेंटीमीटर और जो रिलेक्सेशन स्टेट है डोगाइन कैंडिडेट बिलोंग स्टेट आसाम नागालैंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम कश्मीर के लिए वन फिफ्टी सेंटीमीटर है ये कितना वन फिफ्टी सेंटीमीटर हिमाचल के लिये लद्दाख है कश्मीर के लिए इसके बाद जो ट्राइबल कैंडिडेट के लिए फीमेल के वन फिफ्टी सेंटीमीटर और वेट आपका हाइट के अनुसार ये आपका ये भी मैं वीडियो लिखाऊंगा हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए जो मेन जो सबसे फोकस करना है क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में ज़्यादा कैंडिडेट आउट नहीं होता है क्योंकि हाइट आप लोगों सभी को पता रहता है हाइट आपका डाउन नहीं होता है थोड़ा सा कई मिस्टेक हो सकता है हल्का फुल्का ज़्यादा नहीं होता है सबसे ज़्यादा जो फेल होने वाला चीज़ है पी में रनिंग 1.6 किलोमीटर रनिंग जो होगा छे मी 30 सेकेंड, क्योंकि जी वाला जैसा रनिंग नहीं है आपको फाइव किलोमीटर दे रहा है वन पॉइंट सिक्स किलोमीटर रनिंग शॉर्ट रनिंग है इसमें आप लोग ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और फोकस करने के लिए आप लोग को फाइव किलोमीटर रनिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो अभी आप आराम से साढ़े छः मिनट के अंदर आप पहुँच जाएगा दोस्तों फीमेल के लिए जो है रनिंग आठ मीटर रनिंग चार मिनट पैंतालीस सेकंड दे रखा है आप लोग मेहनत करना पड़ेगा सोलह मीटर रनिंग है तो चार मीटर आप लोगों को लास्ट जो राउंड रहेगा वो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा तो अभी आप सक्सेस हो जाएगा तब भी आप क्वालिफाइड हो जाएगा नहीं तो आप फेल हो जाएगा और आठ सौ मीटर रनिंग जो है चार मिनट पैंतालीस आपको भी चार सौ मीटर आपको स्प्रिंट तो लगाना ही पड़ेगा तो अभी आप भी सिलेक्ट हो जाएगा फीमेल कैंडिडेट क्योंकि इस बार आपको पीई में फोकस करना पड़ेगा पी ई टी जैसे करेगा पी में तो कुछ नहीं है सेस भी थोड़ा सा आप दोनों का आपको पास करा रहेगी तो रनिंग है सबसे एकदम रनिंग है रनिंग आपको पूरा ध्यान देगा क्योंकि रनिंग टाइम के अंदर आप लोगों को आना पड़ेगा कैमरा सब कुछ रहेगा आपको कोई डुप्लीकेट इसमें सेस्ट आपका डाउन आप हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को सेष्ट आप पुशअप मार के भी आपको उसी टाइम फुला सकते हैं आपका शरीर क्योंकि रनिंग ऐसा चीज़ नहीं रनिंग आपको करना पड़ेगा कोई भाईबंदी नहीं है इसलिए आप लोग रनिंग में फोकस करना है पूरा रनिंग में लग जाएगा जो बी एस एफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अप्लाई किया है या अभी से रेडी हो जाए क्योंकि आपका एस एस सी का भी फिर हो रहा है इसलिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा कैंडिडेट पीई टी में रिजेक्ट होता है हाइट से इसमें रिजेक्ट नहीं होगा सबसे ज़्यादा रनिंग में होगा उसका बाद ही आप लोगों का आएगा कंप्यूटर बेस्ट उसके लिए अभी निश्चय नहीं सोचना पहले फर्स्ट फेस क्वालिफाइड करने के लिए देखिए उसका बाद ही आएगा सेकंड थर्ड फेस है ना और वीडियो कैसा लगा वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना साथ में बेल आइकन दबा देना जय हिंद बता तो राम